आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप आपके YouTube चैनल में मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि मोबाइल नंबर को चैनल में वेरीफाई करना इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर आप अपने चैनल में मोबाइल नंबर को वेरीफाई नहीं करेंगे तो आप कुछ फीचर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे पहले जान लेते हैं कि कौन सा वो फीचर है जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे अगर हम अपने चैनल में मोबाइल नंबर को वेरीफाई नहीं करते हैं। तो वो जो पहला फीचर है वो कुछ ऐसा है, अगर आप अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई नहीं करते हैं तो आप अपने चैनल में 15 मिनट से ज्यादा ड्यूरेशन की वीडियोज को अपलोड आप नहीं कर पाएंगे। आप जो लाइव स्ट्रीमिंग का फीचर होता है वो लाइव स्ट्रीमिंग का फीचर को भी आपको नहीं मिलेगा। और जो तीसरा है, तीसरा में आप अपना जो वीडियोस है वीडियोस में कस्टम थंबनेल नहीं लगा पाएंगे। और जो चौथा है, आप अपने वीडियोस में जो कंटेंट आईडी क्लेम है, आपका जो कंटेंट आईडी क्लेम है उसके लिए अपील भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे अभी देख लेते हैं कि कैसे हम अपने चैनल में मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पीसी के स्क्रीन पे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम हमारे पीसी के स्क्रीन पे आ गए हैं। और पीसी के स्क्रीन पे आप यहाँ पे जो पेज देख रहे हैं ये हमारा जो चैनल है, चैनल का कस्टमाइजेशन पेज है। तो आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन के पेज में आ जाना है, फिर आपको यहाँ पे नीचे सेटिंग का एक ऑप्शन दिख जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक कर लेना है। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक लोडिंग होगा, तो आपको इंतजार कर लेना है। और लोडिंग के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा 6 ऑप्शन, जहाँ पे आपको चैनल का जो ऑप्शन है चैनल का ऑप्शन में सिलेक्ट कर लेना है। चैनल का जो ऑप्शन है चैनल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख जाते हैं। आप ऊपर के साइड में देख सकते हैं बेसिक इन्फो, एडवांस सेटिंग और फीचर्स एलिजिबिलिटी। तो आपको यहाँ पे फीचर्स एलिजिबिलिटी का जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे फीचर्स एलिजिबिलिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं। फीचर्स एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख जाते हैं, जहाँ पे आपको जो दूसरा ऑप्शन है इंटरमीडिएट फीचर्स, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे इंटरमीडिएट फीचर्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे आपको आपका जो चैनल का मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम वेरीफाई मोबाइल नंबर का जो ऑप्शन है, ब्लू कलर का बटन आपको यहाँ पे दिख जाएगा, तो हम यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर का जो बटन है बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ लोडिंग होगा, तो आपको वहाँ पे इंतजार कर लेना है। फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा, जहाँ पे आपको आपका जो मोबाइल नंबर वेरीफाई करने का जो पेज है वो ऐसे ओपन होकर आ जाएगा। टेस्ट मी द वेरिफिकेशन कोड सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे उसके नीचे 2 ऑप्शन दिख जाएगा, जहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो सिलेक्ट योर कंट्री, तो आपको यहाँ पे अपना जो कंट्री है वो सिलेक्ट कर लेना है। और जो दूसरा ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर को फिल कर देना है। तो हम यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट ऑलरेडी किया हुआ है इंडिया, और दूसरा जो फिलअप है वहाँ पे हम अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे फिल कर दिया है। फिर यहाँ पे नीचे दिख जाएगा गेट कोड, ब्लू कलर का बटन है, तो आपको यहाँ पे गेट कोड के ऊपर क्लिक कर लेना है। गेट कोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर में एक 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड भेज दिया जाएगा, जिस कोड को आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो हम हमारे फोन में जो 6 डिजिट का कोड है वो यहाँ पे टाइप कर देंगे। यहाँ पे 6 डिजिट का जो कोड है वो यहाँ पे फिल करने के बाद आपको सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक लिखा हुआ आ जाएगा, फोन नंबर वेरीफाइड ग्रीन टिक, और नीचे आपको दिख जाएगा कांग्रेचुलेशन योर फोन नंबर हैज नाउ बीन वेरीफाइड। तो आज इस वीडियो में हमने आपको दिखाया कि कैसे आप आपके YouTube चैनल में मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।